अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की फ़ोटो एडिट करना तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जुड़ जाएं हमारे चैनल से। तो इसके लिए दोस्तों हमें पिक्सआर्ट को ओपन करना होगा और हम अपनी फ़ोन की रोटेशन मोड ऑन कर लेते हैं ताकि आपको वीडियो देखने में कोई भी परेशानी ना हो, और प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके अपने बैकग्राउंड एक कोई भी ले लें। जैसा कि मैं यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड ले रहा हूँ, आप भी ब्लैक ले सकते हैं और क्रॉप वाले ऑप्शन में जाकर इसे स्टोरी वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करके क्रॉप कर लेना है ऐसे। अब इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके हमें अपनी मॉडल को ले लेना है, जैसे कि मैं इसको लूँगा और अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लें। और दोस्तों फ़ोटो की बैकग्राउंड को आप पहले से रिमूव करके ही रखें, क्योंकि हमने ये पहले से ही रिमूव करके रखा था ताकि वीडियो बनाने में समय ना लगे। और इस बैंडेड को ले लें ऐसे थोड़ा करके और इसे चिपका लें अपने हेड पे। बढ़िया तरीक़ा से चिपका लें ताकि रियलिस्टिक लगे। ओपेसिटी को कम करके हम इसे इरेज करेंगे। ओपेसिटी कम हो गया, अब हम इसे इरेज करेंगे। दोस्तों इरेज की साइज़ को आप अपने हिसाब से सेट करके रख लें, जैसे हमने 50 पे रखा है आप भी अपने हिसाब से करके रख लें। दोस्तों इन सभी PNG का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसे बहुत ही बारीकी से इरेज करना है, बहुत ही बारीकी से करना है ताकि एकदम फ़ोटो रियलिस्टिक लगे, फेक उक ना लगे। तो ध्यान से कीजिएगा, देखिए यहाँ पे कोने में बच रहा है, मैं इसे इरेज करता हूँ। ये क्या फेसबुक ओपन। अगर आप भी अपने फ़ोटो की बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं आसानी से, वो भी एक वेबसाइट के थ्रू, तो उसके लिए हमने पहले से एक वीडियो बना दिया है, आप जाकर उसे देखकर और आसानी से अपनी फ़ोटो की बैकग्राउंड को हटा सकते हैं। और हाँ, एक ही क्लिक में हटेगा बहुत ही आसानी से। दोस्तों अभी इसे पूरी तरह से इरेज करने के बाद इसकी ओपेसिटी को बढ़ा लेते हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं। अब हमें ब्लड की PNG को ऐड करना होगा, जो कि हमारी चेस्ट पे ऐड होगी, ये वाली। अच्छे से फिट कर लें आप अपने हिसाब से, जो एक्स्ट्रा पार्ट बचे उसे रिमूव कर लें। मैंने ऐसे कर लिया इसको, अब इसे रिमूव करेंगे। याद रहे दोस्तों इस साइज को अपने मुताबिक ही रखना है, जैसी आपकी फ़ोटो हो और जैसे PNG हो उसके हिसाब से आप करके इसकी साइज़ को कम करके या ज़्यादा करके इरेज कर लें। दोस्तों इस PNG के साइड के हिस्सों को अच्छे से रिमूव करने के बाद इसे सेव कर लें। इसके बाद अब टपकता हुआ एक ब्लड लेना है, जो हमारी फ़ोटो को रियलिस्टिक दिखाने में मदद करेगी, हम इसको ले लेते हैं। इन सभी का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों इसे भी आप अपने मुताबिक अच्छे से एडजस्ट कर लें, जैसे मैं कर रहा हूँ। दोस्तों अब हमें हार्ट की PNG को ऐड करना है, वो भी अपने हैंड में ऐसे करके। आपको भी अपनी फ़ोटो किसी तरह से क्लिक करना है ताकि अच्छे से हैंड में आ सके आपकी हॉट जो भी बाहर निकला हो। और उंगलियों को आराम आराम से इरेज कर लें। दोस्तों थोड़ी भी गलतियां ना करें ताकि फ़ोटो अच्छे से दिखे, अगर गलतियां करेंगे तो अच्छे से फ़ोटो नहीं दिखेगा, रियलिस्टिक नहीं लगेगा, फेक लगेगा। और वैसे भी ये फेक तो है ही, कोने से हार्ट निकालता है यार।
अब इसके बाद हमें एक और ब्लड की पीएनजी लेनी है, जो कि हमारे चेहरे पे लगाना है ऐसे आँख के नीचे करके। दोस्तों इसकी भी ओपेसिटी को हमें कम ही रखना है, जैसे मैंने 76 पर किया है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। दोस्तों अब हमें इसका डुप्लीकेट लेयर चाहिए, इस पर सेव करें और इसके बाद से यहाँ पे डुप्लीकेट पे दबाएं, एक डुप्लीकेट लेयर आपको मिल जाएगा। अब इसको अपने होठों के बीच ब्लड निकलते हुए दिखाना है, तो देखिए कैसे मैं लगा रहा हूँ, वैसे ही आप ही अपने फ़ोटो पर लगा लीजिएगा। दोस्तों इसमें 5-6 लाइनें दिख रही हैं जो कि ब्लड ऊपर से टपक रहा है, लेकिन हमें केवल एक लाइन ही लेना है, तो बाकी सबको रिमूव कर लें और एक लाइन को ही छोड़ दें ऐसे करके। यहाँ पे हल्का रिमूव करें ताकि फ़ोटो एकदम अच्छी दिखे। दोस्तों फोटो एडिट हो चुकी है, इसे अपने गैलरी में सेव कर लें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हम इससे भी अच्छी वीडियो ला सकें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।